Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sada Pamreen, currently pursuing MD in pathology. आज का टॉपिक है premenstrual tension, जिसे बोला जाता है premenstrual syndrome भी कहते हैं इसे. तो ये premenstrual tension या फिर premenstrual syndrome है क्या चीज़? ये क्या एक तरीके का complex recognized symptom है. इसके अंदर एक primarily by the cyclical changes associated with ovulatory cycle, यानी एक तरीके का complex है, symptom complex है, जिसमें क्या होता है, किस वजह से होता है, cyclical changes होते हैं primarily. इस वजह से होते हैं ओविलेटरी साइकिल के अंदर देखने को मिलता है. इट अकर 7 to 14 days प्रायर टू मेंसुरेशन, यानी ये प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन जो होती है, सिंड्रोम जो होती है, कब होती है, मेंसेस से जो होती है 7 से 14 दिन पहले होती है. ये आपको याद रखना है. कितने दिन पहले होती है? 7 to 14 days पहले होती है मेंसुरेशन से. इसमें साथ में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है आफ्टर मेंसुरेशन, यानी जैसे मेंसेस आना शुरू हुए उसके बाद ही हमारी रिजॉल्व हो जाती है. हमारी सारे जो होता है, ये जो भी इसके अंदर जो चेंजेस हम आगे बात करेंगे, वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं. इट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर इन द मिडिल एज वुमेन. ज़्यादातर किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है? जो मिडिल एज वुमेन होती है, ये आपको याद रखना है. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टू रीज़न. ये तो जो प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन हम पढ़ रहे हैं, सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके. क्या होता है? फर्स्टली बिकॉज ऑफ द सिम्टम ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशियो इकोनॉमिक लॉस. पहला क्या है इसके अंदर, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशियो इकोनॉमिक लॉस के लिए. दूसरा क्या होता है, बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड लीगल एंड द वुमेन राइट इशूज दैट हैव अराइजन इन कॉन्जुगेशन विद द पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ड्यूरिंग द प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी क्या होती है इसके अंदर. ये प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन जो रही है या सिंड्रोम हो रही है, इसकी इटियोलॉजी क्या होता है. एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो इसकी एग्जैक्ट अभी तक अभी नोन नहीं है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि ये मल्टीपल बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होती है, जैसे कि एस्ट्रोजन एक्सेस हो रही है, प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है ल्यूटियल फेस के अंदर. ये आपको याद रखना है, किस वजह से होती है, एस्ट्रोजन का एक्सेस हो जाता है या प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किस में, ल्यूटियल फेस के अंदर. या फिर कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस बढ़ जाता है ल्यूटियल फेस के अंदर. जब ल्यूटियल फेस चल रहा होता है उसके अंदर दौरान क्या होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस होने लगता है. या फिर पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है. क्या होता है ये पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी? क्या होता है, एक तरीके का विटामिन होता है, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोजन सिंथेसिस के अंदर, आल्सो इन द डोपामिन एंड सेरोटोनिन प्रोडक्शन. जब पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, डोपामिन सेरोटोनिन सारे इफेक्ट होंगे. इसमें क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन होने लगता है वैसोप्रेसिन का और एल्डोस्टेरोन प्रोलैक्टिन का. सिंथेटिक एल्डोस्टेरोन प्रोलैक्टिन का सिस्टेमिक प्रोजेस्टाग्लैंडिन एडवर्सली अफेक्टिंग रीनल फंक्शन एंड कंट्रोलिंग टू द फ्लूइड रिटेंशन एंड ब्लॉटिंग. इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वैसोप्रेसिन का, एल्डोस्टेरोन का, प्रोलैक्टिन का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इफेक्ट करता है कहाँ पर, रीनल फंक्शन पर, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूड का रिटेंशन होने लगता है और ब्लॉटिंग होने लगती है. फ्लक्चुएशन होने लगता है ओपिएट पेप्टाइड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, जिससे इफेक्ट करता है एंडोर्फिन के लेवल के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, आपको याद रखना है एटियोलॉजी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉज. इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, डेफिशिएंसी हो रही है ल्यूटियल फेस के अंदर. दूसरा क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है किसका, वैसोप्रेसिन का, एल्डोस्टेरोन प्रोलैक्टिन के, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इफेक्ट कर रहा है रीनल फंक्शन का, इसकी वजह से फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है और ब्लॉटिंग हो रही है. उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, यानी कि इसमें क्या क्लिनिकल फीचर देखने में होता है. सिम्टम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक लीजन इन द, यानी क्या, जिसमें सिम्टम्स हैं तो कोई भी जो होता है ऑर्गेनिक लीजन से एसोसिएटेड नहीं होते. इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलती है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग देखने को मिलता है, इसके अंदर हेडेक होता है, स्लीपीनेस देखने को मिलता है, और इसके अलावा देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर फटीक होती है, इमोशनल लायबिलिटी देखनी होती है, मूड बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्विंग करता है पेशेंट के अंदर, डिप्रेशन होती है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, फ्लूड रिटेंशन होता है, वेट गेन हो जाता है कितने दिन पहले, 7 से 14 दिन पहले, बिफोर द मेंसेस होता है. ए डोमिनेंट सिम्टम्स के अंदर वेरी करता है फ्रॉम एनजाइटी टू डिप्रेशन. या जो डोमिनेंट फीचर देखने को मिलते हैं इसके अंदर क्या होता है, वो वेरी करते हैं पेशेंट एनजाइटी से लेके क्या होता है, डिप्रेशन तक होता है, या फिर फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है. इसके अलावा ब्लॉटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, या फिर इंक्रीज एपेटाइट हो सकता है, क्रेविंग हो सकती है स्वीट फूड के लिए. तो सारे क्या हुए, ये क्लिनिकल फीचर्स हुए. डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे, इसके अंदर केयरफुल क्वेश्चनिंग करेंगे, यानी कि पेशेंट से इन सारे सवालों के बारे में पूछेंगे कि आपको ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंसेस से पैर, यानी ल्यूटियल फेज जो चल रहा होता है उस दौरान जो होता है बहुत ज़्यादा मेंसिंग तो नहीं करते, डिप्रेशन तो नहीं होता, या फिर उसके अंदर इरिटेबिलिटी तो नहीं होती, या फिर ऐसा तो नहीं होता ब्लॉटिंग फीलिंग तो नहीं होता एब्डोमिनल वाले. तो ये सारे हमें जो भी हमारे सिम्टम वाले पढ़े इसके अंदर, उसके अंदर उससे रिलेटेड हम उससे सवाल करेंगे, उसके अंदर कोरिलेशन करेंगे सिम्टम का विद द प्रीमेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल का. उन सिम्टम को हम सारे सिम्टम जो है इसके अंदर उनको रिलेट करेंगे जो प्रीमेंस्ट्रुअल फेज होता है साइकिल से उससे. उसके बाद हम इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसके अंदर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर सवाल करेंगे उससे अच्छे तरीके से. जो होता है हिस्ट्री में क्या करेंगे, पेशेंट का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे उसके, उसके बाद उससे जो भी हमने अभी अभी आप सारे सिम्टम पढ़े उनसे रिलेटेड उससे सवाल पूछेंगे और उसको जो है प्रीमेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल से कोरिलेट करेंगे.
अब बात करते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या देना है अगर माइल्ड केस है पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, रीअश्योरेंस करेंगे, पेशेंट के अंदर वाटर और सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, विटामिन B1 देंगे 25 से 50 मिलीग्राम दे सकते हैं, B6 देंगे और E देंगे 200 मिलीग्राम, और ज़्यादा जैसे ब्रेस्ट सिम्टम क्या होता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस थी तो उसके अंदर डेनाजोल दे सकते हैं, GnRH दे सकते हैं। डेनाजोल कितना देना है, 100 से लेकर 200 मिलीग्राम दे सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर ब्लॉटीनेस हो रही है, वेट गेन हो रहा है, फ्लूड रिटेंशन हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्ट और फ्लूड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ड्रग क्या इस्तेमाल कराएंगे, स्पायरोनोलैक्टोन इस्तेमाल कराएंगे, डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देते हैं जैसे कि मेफेनामिक एसिड है या नेप्रोक्सन देते हैं, एंजाइलेटिक देंगे जैसे एंजाइटी हो रही पेशेंट को अगर, तो एल्प्राजोलाम दे सकते हैं, इसके लिए 0.25 मिलीग्राम दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, ट्राइसाइक्लिक दे सकते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन जो होता है, रेप्टिक्स होता है, इनहिबिटर दे सकते हैं, सार्टिलिन दे सकते हैं 50 से लेके 150 मिलीग्राम दे सकते हैं, उसके अलावा कहते हैं माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, पिस्ट्री कितने दे सकते हैं, 200 से लेकर 400 मिलीग्राम डेली दे सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, इसके अंदर एस्ट्रोजन जो है स्किन पैचेस दे सकते हैं, इसके अलावा क्या जनरल मेजर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए और योगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड, इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।